सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के 11 प्रो 5G फोन के स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप लोग अपने फोन को बिना टच के हुए रिसीव कर सकते हो इस सेटिंग को ऑन करने के बारे में। एंसर कॉल सेटिंग होता है आपके फोन में, एंड इस सेटिंग को कैसे आपको ऑन करना है, जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आप लोग बिना टच के हुए अपने फोन को रिसीव कर सकते हो। तो फाइनली इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं Realme के 11 Pro फोन के सेटिंग के अंदर से। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास Realme का 11 Pro फोन है, फाइनली आप लोग अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को यूज करोगे। यहां पर देख सकते हो मेरे पास Realme का 11 Pro फोन है। तो स्मार्ट कॉल सेटिंग ऑन करने के लिए आप लोग को, ऑन करने के बाद आप अपने फोन को कान के पास ले जाओगे तो इस तरीके से आपका फोन रिसीव हो जाएगा बिना टच हुए, एंड आप अपने फोन को टच भी नहीं करोगे फिर भी आपका फोन रिसीव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो एंड Realme के 11 Pro फोन के सेटिंग के अंदर से। तो आ जाते हैं अपने फोन के सेटिंग के अंदर, एंड इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्रॉल के नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आओगे तो आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सेटिंग, एंड इस पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, जो कि यहां पर आपको मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हो, उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है आपको, नीचे आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्विच डाउन ट्रिप फिंगर, तो यहां पर आपको मिल जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ट्रिप फिंगर से। एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाते हैं टच एंड होल्ड ट्री फिंगर, तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर टर्न ऑफ, यहां पर वॉल्यूम बटन, तो यहां पर आप लोग इससे भी ऑन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करना है एंड अपने फोन को ऑटोमेटिक रिसीव करना है, तो फाइनली यहां पर आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, यहां पर लाइव तो एयर तो आंसर कॉल्स, इसको ऑन करते हो एंड आपका बिना टच के फोन रिसीव कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है ऑटो स्विच तो रिसीव, तो यहां पर आप इसे भी ऑन कर सकते हो। एंड नीचे मिल जाता है आपको फ्लिप तो म्यूट स्क्रीन, जो कि इनकमिंग कॉल्स, तो इस सभी सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। एंड एक बार आपके पास कोई बंदा कॉल करेगा एंड कान के पास ले जाओगे, ऑटोमेटिक से आपका फोन रिसीव हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका ये स्मार्ट कॉलिंग सेटिंग ऑन हो जाता है Realme के 11 5G फोन में। ये जो फीचर्स आप लोग अपने फोन में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ग्रीन स्क्रीन ऑफ वाला ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करोगे एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन में आता है, जैसे कि अगर आप लोग ओ बनाते हो तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको बी बनाना है, तो यहां पर आपका बी बनाने के बाद आपका यहां पर लाइट टच काम करने लगेगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कि यहां पर देख सकते हो डबल टैप तो स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, यहां पर आप लोग इसे ऑन कर दे तो डबल टैप करने के बाद आपका स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगेगा। एंड उसके बाद आपको यहां पर म्यूजिक प्ले करना, तो यहां पर आप लोग म्यूजिक प्ले कर सकते हो। म्यूजिक प्ले करने के लिए आप लोग को यहां पर मिल जाते हैं कुछ ऑप्शन, जैसे कि आप लोग यम बनाते हो तो यम से आपका म्यूजिक ओपन हो जाएगा। तो ये सब भी ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो, और ये जो स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन है, आप ये वाला भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो ये बेटर तरीका है एंड अपने फोन में Realme के 11 5G फोन में। तो ये फीचर्स आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड बिना टच किए अपने फोन को रिसीव भी कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग को Realme के 11 5G फोन में स्मार्ट कॉलिंग सेटिंग को ऑन करना है एंड ऑन करने के बाद आप लोग यूज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।